हाँ देखो बोलना, देखो तुम्हारे पप्पा खड़े हैं यहाँ पे कैमरा लगा के। ये थोड़ी देर रखती मेरी बड़ी मम्मी इधर क्या कर रही है? अरे गुटका खा रही है। अरे बड़ी मम्मी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सुबह का टाइम है, मैं ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ, सोचा आज भी बना लेते हैं ब्लॉग। कल मैं थोड़ा सा बना नहीं पाया, कल परसों आपको पता है मेरा एक ब्लॉग आया था, इसके अंदर बताया था मुझे जुकाम हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो कल जो है मेरी बहुत हालत ख़राब थी, इसलिए कल ना मैंने जाते वक्त बनाया ना आते वक्त, इसलिए सोचा चलो आज तो थोड़ा आराम है मुझे तो आज बना लेते हैं। आज मैं देखता हूँ कौन सा रूट मुझे लेना है, क्योंकि मैं निकला तो सुबह जल्दी था बट थोड़ा सा रास्ते में किसी वजह से लेट हो गया, गाड़ी में हवा नहीं थी, पेट्रोल वगैरह भरवाया गाड़ी में, तो इस चक्कर में थोड़ा सा निकला तो मैं 8:30 पे था बट 9:20 हो चुके, काफ़ी लेट हो चुका हूँ। लेट होना तो मेरा रोज़ का काम है ऑफिस के अंदर। चलो ऑफिस वाले भी परेशान है, वही टाइम पे कभी आते ही नहीं है। वहाँ से आए यार रोज देरी साला 25 किलोमीटर आना जाना, टाइम तो लग ही जाता है ना। देखते हैं आज कोई चटपटा मसाला कुछ मिलता है कि नहीं मिलता रास्ते के अंदर। मामू की बस दिक्कत है, साले सुबह सुबह मामू खड़े हो जाते हैं, ये रूट थोड़ा ऐसा लेना पड़ेगा कि कोई मिले ना। पावर सेविंग मोड पे मैंने अपना फ़ोन को डाल दिया है जिससे क्या थोड़ा बैटरी कम खाएगा। अब मेरे पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि भाई मैं शूटिंग करता हूँ तो मेरी जो बैटरी है वो जल्दी डाउन होती है, लास्ट टाइम उस दिन ही मैंने बोला था और उस दिन मात्र 10% बैटरी यूज़ में आई थी, क्योंकि मैंने पावर सेविंग मोड पे जो डाल के अपना जो ब्लॉग है वो शूट किया था और फ़ोन को डाल दिया फ्लाइट मोड के अंदर ताकि फ़ोन वोन वगैरह कुछ आएंगे नहीं। यहाँ पे मामू खड़े रहते हैं बट आज है नहीं, अभी थोड़ा लेट आएंगे। गाइस हम गोपालपुरा बाईपास वाला जो रोड है पुलिया के नीचे से लेंगे अंदर सीधे जेलन मार्ग की तरफ, तो ये जो इस वाले रास्ते पे थोड़ा क्या है ट्रैफिक मिलता है आगे की तरफ, बत्ती भी बहुत लंबी लंबी होती है, इसलिए हम अंदर डाल देंगे। यहाँ से मेरा रोज का रूट ही यही रहता है, मैं सीधा वहाँ से आता हूँ मानसोर रिको की तरफ से आता हूँ, वीडियो बाईपास करके कांक रोड वाले इस रोड पर आ जाता हूँ और यहाँ से नीचे होते हुए जेलन मार्ग पकड़ लेता हूँ, इससे क्या होता है मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाता है। तो गाइस मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ा सा मोटिवेशन ले लो। मैं एक मोटिवेशन की बात आपको बताने जा रहा हूँ, वैसे मुझे खुद का बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है लेकिन फिर भी क्या हुआ ज्ञान फैलने में क्या जाता है, क्यों ज्ञान कैसे भी पहला जा सकता है। ओले बत्ती बंद, बत्ती बंद, बत्ती बंद, हम साइड में रोक लेंगे क्योंकि वहाँ पर खड़े रहते हैं मामू। हाँ देखो बोलना, देखो तुम्हारे पप्पा खड़े हैं यहाँ पे कैमरा लगा के। थोड़ा सा मौका है हमारे पास में बत्ती तोड़ने का, बट मामू भी खड़े हुए हैं उधर। अब हम तोड़ेंगे बत्ती, आज का मोटिवेशन मॉर्निंग का बत्ती तोड़ने का मोटिवेशन ले लेते हम। इस तरीके से बत्ती तोड़ी जाती है, लेकिन मैं बत्ती तोड़ूंगा नहीं, अभी मौका है अपने पास में, इसको तोड़ सकता था मैं, चलो अभी मेरे पास में मौका है, ये तोड़ ली बत्ती। तो गाइस थंबनेल के अंदर आपने देखा ही होगा कि बत्ती टूट गई
उसके बाद देखो क्या होता है, कुछ नहीं हुआ गाइस, ठीक है। तो ये सब चूतिया बनाने की टेक्निक है और कुछ नहीं है, सब ऐसे ही चूतिया बनाते हैं। तो थोड़ा सा हमने भी बना दिया आपको, हालांकि आप लोगों को हमारा चूतिया बनाने का कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि यार आप लोग हमारे व्यूवर्स हैं यार, आप लोगों को चूतिया बनाएंगे तो कैसे तो काम चलेगा। तो माइंड थोड़ा लेना मत, मजाक था भाई मजाक, ठीक है। मेरे मैडम पीली पद्दो बस सारा यही, यहाँ पे भी कई बार ट्रैफिक मिल जाता। तो गाइस बात हो रही थी मोटिवेशन की, तो चलो आज हम थोड़ा सा मोटिवेशन लेते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, अगर हमें कुछ भी कोई भी काम करना होता है या लाइफ में कुछ भी करने के लिए अगर कुछ करना होता है ना, तो उसके लिए बस आपको ना कोशिश करते रहनी है। आज जैसे मैं हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, मॉर्निंग में 10 to 7 मेरी जॉब है, मुझे जॉब करना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा भी है ना मेरे काफ़ी सपने हैं, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। इसके अलावा मुझे सलाह बहराने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जैसे मैं बहरा रहा हूँ। तो ये जो कई काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि यार तेरा इतना लंबा सफ़र है, वो डेली 25 किलोमीटर अप डाउन तू करता है, तो वो मेरे लिए कोई इतना इश्यू की बात नहीं है। तो रोज़ की आदत है मेरी, अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से। अगर नॉर्मली अगर मैं ऐसे भी नहीं आऊँगा तो भी मैं इतना चल ही लेता हूँ, ठीक है। और पहले मैं सांगानेर के अंदर ही जॉब किया करता था, तब भी मेरी गाड़ी लगभग इतना ही चला करती थी, और आज भी मेरी गाड़ी उतनी ही चली है। तो इतना कोई उसमें कोई ज़्यादा इश्यू है नहीं। बस कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई जॉब भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो और आपके दिमाग में कोई आगे फ्यूचर का कोई प्लान है, तो उसके लिए बस मेहनत करते रहो। तो जैसे कि हम मेरा क्या है, बिजनेस का प्लान है, तो उसके लिए मैंने तैयारी वगैरह सब कुछ कर रखी है। तो जैसे ही मौका मिलेगा, मौके पे चौका हम मार देंगे और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। और यूट्यूब का भी अभी हमारे को नया नया शौक चढ़ा है, लगभग मेरे को यूट्यूब पे आए हुए अप्रोक्सीमेटली जून के अंदर मैंने स्टार्टिंग की थी, ठीक है, यूट्यूब की। तो मेरा एक चैनल मोनेटाइज भी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा चल रहा है। मेरा ई कॉमर्स का एक चैनल है अपकू टिप्स एंड ट्यूटोरियल। अगर आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो वगैरह इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज वगैरह है या फिर आप सीखना चाहते हो, तो आप मेरा वो चैनल चेक कर सकते हो। बहुत ही अच्छी वीडियोज मैं उसमें डालता हूँ, ताकि कोई भी बिगिनर जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं, नए सेलर्स, नए बंदे जो कि अपना नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन का, तो वहाँ से उनको काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो मैंने एक तो वहाँ से स्टार्टिंग की है, उसके अलावा जैसे मैं धीरे धीरे, क्योंकि पहले इतना क्या है ना, तो मैं यूट्यूब ज़रा देखता था नॉर्मली, जो काफ़ी चीज़ें वगैरह होती थी मूवीज़ वगैरह, तो कभी कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते थे, उसके अलावा इतना वो था नहीं। लेकिन धीरे 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 थोड़ा सा सोचा, पहले मैं ट्यूशन देना स्टार्ट किया मैंने, ट्यूशन के बाद में मेरे को, पहले मैं सांगानेर में जॉब करता था, तो लड़कों को ट्यूशन देता था मैं। मैं 4-5 स्टूडेंट्स हैं जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया और सक्सेस है। तो बस आज का मोटिवेशन यही है कि यार चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, बस जो आपके सपने हैं ना उसके लिए मेहनत करते रहो। यूँ नहीं कि भाई टाइम आएगा तो करेंगे या वक्त आएगा, बस करते रहो। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आदमी को वक्त निकालना पड़ता है। हम थोड़े से क्या आलसी किस्म के इंसान हैं, मॉर्निंग के अंदर जल्दी उठ नहीं पाता हूँ मैं, लेकिन कोशिश करूँगा मॉर्निंग के अंदर जल्दी उठने की, कि भाई जल्दी उठ जाऊँ, जल्दी उठ के ब्लॉग बनाऊँ, जिस क्या रहा हो सके उतने ब्लॉग रेगुलरली मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ, ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए वीडियो देखने के अंदर और मेरा चैनल की भी अच्छी ग्रोथ हो। तो यही है यार, सक्सेस होना है लाइफ के अंदर तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई किस तरीके से मेहनत करता है तो कोई किस तरीके से, तो मैं काफ़ी तरीके से कर रहा हूँ। ऑफिस के अंदर भी पूरा जो है कॉन्सेंट्रेट के साथ में अपना काम कर रहा हूँ, और उसके बाद जो मेरे को टाइम मिलता है उसके अंदर थोड़ी बहुत मोटो ब्लॉगिंग और फिर ब्लॉग को एडिट करना वगैरह बहुत कुछ है। तो लाइफ में जो टाइम है ना वो तो बिल्कुल नहीं है, मेरी बड़ी मम्मी जा रही। ओ बड़ी मम्मी, मेरी बड़ी मम्मी क्या कर रही है, अरे गुटका खा रही है, अरे बड़ी मम्मी मेरे से पहले तो तुम पहुंच गए। चलो बाय बाय।
देख रही होगी ताकि मुंह पे क्या लगा रखा है। तो भाई जी मेरी बड़ी मम्मी और जो ये गाड़ी चला रहा था वो मेरे बुआ का लड़का भाई है, ठीक है। वो देखो कहते गुटखा खा रही थी यार बड़ी मम्मी, सारा बट्टी बनी कर दी पूरी इज्जत की, कोई बात नहीं यार, क्योंकि यार थोड़ी गाँव की लेडीज है पहले की और चलता है। पहले तो मेरी नानी तो बीड़ी पिया करती थी, अब तो मेरी नानी अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, वो तो बीड़ी भी दी थी, फुक्के लगाती थी खूब। और 104 साल उम्र उनकी थी, 104 साल की उम्र के अंदर उनका इंतकाल हुआ। तो देख लीजिए आप पुराने ज़माने की लेडीज है भाई साहब, आज भी है ना सारा पुराने ज़माने के जो लोग हैं आज भी जिंदा है गांव के, उनका खान पीन इतना प्यारा हुआ करता था ना। और आज के बन तो मेरा अभी से बूढ़ा हो गया हूँ, 26 साल उम्र हुई है मेरी और दाढ़ी पे सफ़ेद बाल आ चुके हैं, बालों से एकदम कांच से जो है वो बाल झड़ने लग चुके हैं, तो ऐसा हो चुका है। बातों ही बातों के अंदर हम काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं और आज थोड़ा सा जो धीरे धीरे है ना दर्द जो है वो निकलता जा रहा है, क्योंकि आज चौथा ब्लॉग है तो चौथे ब्लॉग के अंदर थोड़ी सी हिम्मत धीरे धीरे जो है ना वो आती जा रही है ब्लॉगिंग करने की, और थोड़ा सा हमारा जो क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं यार जो कॉन्सेंट्रेट है ना, कॉन्सेंट्रेट नहीं है एक तो यार मेरे को ना थोड़े से वर्ड्स जो है वो याद नहीं आते, मनोबल हिंदी में मनोबल बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर मनोबल को क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस, हाँ कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ता जा रहा है। बता यार एक कॉन्फिडेंस वर्ड को याद करने में देखो मुझे कितना टाइम लग गया। तो गाइस ये दिमाग की बुद्धि होने का पूरा तरीका है, क्योंकि हमारे दिमाग की जो है ना वो पूरी तरीके से बुद्धि हो चुकी है, दिन भर ऑफिस में काम, मॉर्निंग में ब्लॉग, इवनिंग में ब्लॉग, फिर एडिटिंग, फिर लुगाई के कचकाच सब कुछ, भाई साहब जिंदगी झंडे फिर भी घमंड। अब ये थोड़ा आगे का जो रास्ता है ना वहाँ थोड़ा सा मसला है यार, वहाँ वो इतने मिलेंगे ना, ये भी चलो निकाले, अरे तो निकाल ले यार भाई, वह निकाल तेरी माँ का। तो ये ब्लैक एडम का जो पोस्टर है वो हट चुका है और ग्लो एंड लवली हाइड्रा ग्लो, तो गाइस ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस ये वैसे ही दिखा रहा हूँ आपको। और ये आ चुके हैं हम अल्बर्ट हॉल और यहाँ देखने को मिलेगा अब आपको शूटिंग का नज़ारा। ये इस वक्त जयपुर का सबसे टॉप नंबर प्लेस बना हुआ है जो शूटिंग वगैरह के लिए, अभी प्री वेडिंग शूट जो है आए हाय हाय धमाधम चलेंगे प्री वेडिंग शूट यहाँ पे। देखो अभी शादियों का जो माहौल चल रहा है ना तो प्री वेडिंग शूट की तो भरमार हो रही है यहाँ पर, अब ये देखने को मिलेगा आपको। देखो कोई ना कोई तो देखो एक तो कपल सुबह खड़ा हुआ, एक कपल ये रहा और अलग तरीके का प्रोग्राम थोड़ा सा कोई सेट वगैरह लग रहा है यहाँ पर। आज थोड़ा प्री वेडिंग शूट इस चक्कर में नहीं हुआ, आज ही साला मैं लेके आया हूँ, देखो आज यहाँ का ब्लॉग बना रहा हूँ, आज ही प्री वेडिंग शूट लिया है, मतलब मेरा था कि भाई चलो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा वहाँ पर काफ़ी चीज़ें। अब ये गेट के बाद जो है ना बस यहीं के बाद से मामुओं का रिस्क शुरू, क्योंकि जगह जगह पर मामू मिलेंगे, जगह जगह पर हम भगा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बत्ती आ गई है और मेरे गाड़ी का जो क्लच प्लेट है वो गई हुई है, इसलिए थोड़ी सी पिकअप मेरी गाड़ी ज़्यादा ले नहीं रही है, फास्ट भाग नहीं रही है। स्पेड डलवाने गया था कंपनी के अंदर तो अवेलेबल थी नहीं इस वक्त BS6 की, चलो ये वाला लफड़ा है, मंडे को बुलाया है, मंडे को डलवाऊँगा। 9:38 हो चुके हैं, मेरे पास में अभी काफ़ी वक्त है, चलो बढ़िया है। जब आज के लिए मैं इतना जो लेट है ना वो नहीं हुआ, काफ़ी यानी टाइम से पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, और इस वक्त तो मैं घर से निकलता हूँ ये वक्त तो, और फिर मैं ऑफिस पहुँचता हूँ 10:30-11:15 इस टाइम पे मैं ऑफिस पहुँचता हूँ, बहुत काफ़ी लेट हो जाता हूँ मैं। ये थोड़ा रास्ता था स्टूडेंट्स के लिए, एक अच्छी जगह है यहाँ पर, उनकी सभी बुक्स वगैरह कुछ मिल जाती है, कोई सी बुक्स वगैरह हो यहाँ से, बचपन में छोटे थे जब हम भी ले जाया करते थे यहाँ से, यहाँ पर सेकेंड हैंड बुक्स भी मिल जाती है, न्यू बुक्स भी मिल जाती है, कोर्स वाइज हर तरीके की बुक जो है वो आपको इस रोड पर मिल जाएगी। ये चार दीवारी का एरिया जो है वो स्टार्ट है,
अरे चार दीवार तो यहाँ पे है नहीं, सिर्फ कहीं से चार दीवार कहती तो खाली यही है, तो ये वाला है चार दीवारी कहेंगे, यहीं पे है चार दीवार सामने। मामू थोड़े में मिलेंगे, हम थोड़ा सा इस गाड़ी के पीछे लगा लेते हैं। मामू हाँ हो सकती ज़्यादा सामने बस यहाँ पे आपको दिखे नहीं उनको, आगे थोड़ा सा इस पर बस। आप भी सोच रहे होंगे यार इसकी कितनी पट्टी मामू से, यार फटेगी तो नहीं है, फटेगी क्यों नहीं यार, थोड़ा मामू पकड़ लेगा, अभी लाइसेंस मांगेगा, गाड़ी के कागज़ वागज मांगेगा, तो ये सब तो अपन दे देंगे, लेकिन फिर बाद में ये बोलेगा ये क्या लगा के घूम रहा है, और एक बार मामू ने पकड़ लिया ना तो उसका मतलब समझ लो फिर तो वो सादा करके ही छोड़ेंगे, किसी भी बहाने से पैसा लेंगे लेंगे जरूर। ये आके हम बड़ी चौपर, यहाँ से मैं ना बड़ी चौपर से मैं ले लूँगा सीधा, तो ये यहाँ जाऊँगा ना, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पुलिस मिलेगी, तो मैं यहाँ ना जाके मैं सीधा निकल लूँगा बड़ी चौपर से, आगे जो है मुझे पुलिस नहीं मिलेगी, इस जगह मुझे पुलिस काफ़ी मिलेगी, इस जगह से मुझे पुलिस नहीं मिलेगी, इसलिए मैं सीधे चला जाता हूँ। तो निकल गया चलना चीतिए, हाँ जी भाई साहब, यहाँ पर होटल नॉन वेज होटल्स वगैरह मिलेगी आपको, MM खान, अली चिकन चंगेजी और भी काफ़ी है, अमन वाले का हलीम, गरीब नवाज होटल, MM खान होटल, होटल खान साहब। शाम के टाइम पे आप देखो यहाँ पे क्या भीड़ लग रही है, मौलाना हलवाई बड़ा फेमस हलवाई है यहाँ पर, और ये पतंग वालों के रास्ते में हम घुसेंगे, मोहम्मद जकरिया शेरम फासक, ये पहली बार हमारा जो है हम जाएंगे नले में से इस जगह का नाम। जयपुर की गलियां है ना ऐसी पतली पतली गलियां देखने को मिलती है ना, एक दिन मैं अब जयपुर की गलियों का भी ब्लॉग बनाऊंगा, तो मेरे जो बड़ी मम्मी के रास्ते में मिली थी वो भी यहाँ से टीम चार दरवाजे के अंदर रहती है, उनके एरिए के अंदर आप जाओगे ना वहाँ पे इतनी पतली पतली गलियाँ हैं कि सिर्फ बाइक निकल सकती है, तो भी एक बाइक एक बार के अंदर अगर सामने से दूसरी बाइक निकल जाए तो उसको साइड में लगाना होगा, उसके बाद ही बाइक आगे निकल सकती है, इतनी पतली पतली गलियाँ हैं, उसके बावजूद वहाँ पे चार चार मंजिला मकान बने हुए हैं, साला मेरे को तो समझ में नहीं आता ये लोग बताएं कैसे लेते हैं यार, नाइन 44 हो चुके हैं अभी भी मेरे पास 15 मिनट है ऑफिस पहुंचने के लिए, और ऑफिस पहुंचने का मेरे पास में टाइम है, और उसके अलावा मुझे एक सट्टा भी मारना है, तो बस मेरा अपना ये ब्लॉग कंप्लीट करके उसके बाद में मैं सट्टा लगाऊंगा, और ये चार दरवाजा आगे और ये इधर से सुभाष चौक, और हम चल दिए सीधा इस वाले रोड पे। कंटेंट तो देखने को मिला नहीं, फिर भी अच्छी खासी बकचोदी हमने जो है कर लिया आप लोगों के साथ, तो आज का ब्लॉग तो हमारा रेडी हो चुका है, तो गाइस अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मानता हूँ मेरे ब्लॉग्स अभी थोड़े से बोरिंग वगैरह हो रहे हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस होगा वैसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वगैरह ला के रहेंगे, तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देगा और हमें और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाने के लिए मोटिवेट करेगा, तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके पास कोई सजेशन है हमारी ब्लॉगिंग को थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए तो हमें कमेंट करें ज़रूर, ताकि हम अपनी ब्लॉगिंग को थोड़ा सा और अच्छे से बना सकें, क्योंकि गाइज मुझे कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, बस ऐसे ही स्टार्ट कर दिया है, चालू कर दिया है, बस आप लोगों के अरे यार ये कही हुआ आप लोगों की दुआ और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार फिर से, मैं चार बार तो बोल चुका हूँ ये बात, लेकिन मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में, ओके बाय।